कभी कभी हम सिंपल चीज़ों को कितना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। अब फास्ट फूड सिंपल है, जैसे नाम बता रहा है कि फास्ट फूड, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी खाओ और फिर बस डन है। बट हम कितना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, जैसे सैंडविच एक फास्ट फूड है बट उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि पहले स्टफिंग बनाओ, फिर उसको स्टफ करो, उसके बाद ग्रिल करो, फिर खाओ। इतनी टेंशन क्यों लेनी है भाई, वाई टू फेयर वेन आई एम हेयर। तो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एक ओपन सैंडविच की रेसिपी, बहुत ही ईजी, बहुत ही फास्ट, जल्दी जल्दी बनाएंगे इंट्रो के बाद। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हमने बनाना है ओपन सैंडविच इस चीज़ के साथ, ब्रेड की स्लाइस के साथ। अब ब्रेड की स्लाइस पे हम लगाएंगे पहले बटर, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा तो जल्दी जल्दी रेसिपी आपको दिखाता जाऊंगा। पहले बटर, अब बटर थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि बटर इज बेटर। अब बटर के बाद हरी चटनी और उसी के साथ थोड़ी सी तंदूरी मेयोनेज। अब इन दोनों को स्प्रेड कर लेंगे। अरे मैंने आपको डिश का नाम तो बताया ही नहीं, हम बना रहे हैं पनीर टिक्का सैंडविच। अब पनीर टिक्के के लिए यूजुअली लोग पहले पनीर को मैरिनेट करते हैं, ग्रिल करते हैं, उसके बाद सैंडविच में भरते हैं, बट हम आपको दिखाने जा रहे हैं जल्दी जल्दी वाला सैंडविच। अब पनीर के पीसेस, अब जैसे कि आपने नोटिस करा है मैंने पनीर ऐसे अलाइन करा है, एक स्लाइस पे, एक ब्रेड की स्लाइस पे लगभग 9 पनीर के पीसेस। उसके बाद उन पनीर के पीसेस के आले दुआले मतलब साइड्स में हम अपने पेटल्स डाल देंगे कैप्सिकम और अनियन के। अब करेंगे इसको थोड़ा सा सीजन विद सॉल्ट पेपर, फिर इसके ऊपर चीज़। अब ये स्टेप आप पैन पे रख के भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ से डाल के पैन पे रखूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप चीज़ डाल रहे हैं तो पैन पे चीज़ साइड में गिर जाता है, फिर वो जलने लग जाता है, हमने वेस्ट है तो करनी ही नहीं, हम ढंग से करेंगे काम सारा। अब आप चाहें तो नॉर्मल चीज़ या मोजरेला चीज़ या प्रोसेस चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं, बट मुझे ये वाला चीज़ इसलिए पसंद है क्योंकि इट इज़ अ मिक्स ऑफ 4 चीज़ेस, तो ज़्यादा फ्लेवर। अब आपको पता है मैं हर चीज़ ज़्यादा फ्लेवर के लिए ही करता हूँ। अब चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड थोड़ा ओरिगैनो। पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें बटर और बिल्कुल स्लो आंच पे अपना ये सैंडविच उठा के रख देंगे। अब बिल्कुल स्लो आंच पे इसको रख देंगे और ढक के पकाएंगे ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए, टोस्ट भी हो जाए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाए। बस इतनी सी रेसिपी है, इसको होने दीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये सैंडविच हमारा डन है, देखो कितनी ईजी कितनी फास्ट रेसिपी थी ना, मैंने आपको बताया मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीज़ें, मैं अच्छी अच्छी जल्दी जल्दी वाली रेसिपीज़ बताता हूँ। तो ये हमने निकाल लिया, इसको करते हैं प्लेट और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, बहुत ही इजी रेसिपी, बहुत ही जल्दी बनने वाली फास्ट फूड रेसिपी, सैंडविच 10 मिनटों में तैयार। अब आपने क्या करना है, आपको पता है, जल्दी 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 ट्राई करो और फोटो फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।